बेस्ट क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर स्टाइल जो होती है वो है स्टैंडर्ड या न्यूट्रल, लेकिन इसमें भी एडिटिंग करना है। शार्पनेस एकदम जीरो, शार्पनेस एकदम जीरो, कॉन्ट्रास्ट भी एकदम -4 और सेचुरेशन भी -3। तो ये होती है बेस्ट क्वालिटी पिक्चर स्टाइल। और इसके भी अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो है न्यूट्रल, वो भी एडिटिंग करके फ्लैट करके, शार्पनेस जीरो, कॉन्ट्रास्ट भी -4 और सेचुरेशन भी -3। और सारी सेटिंग कंप्लीट 5500 और बाकी सेटिंग, और यहाँ से स्टार्ट। देखा, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर भी फोकस, फिर से इधर फोकस, इधर फोकस, और यहाँ पर लॉक, कहाँ पर रखना है वहाँ पर, इसका लॉक निकल के इस पर फोकस, और यहाँ पर फोकस लॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव, आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कैनन कैमरा सेटिंग। सबसे पहले हमारा कैमरा मोड होना चाहिए मैनुअल मोड, और यहाँ पर वीडियो मोड पे मैं स्विच लेता हूँ, और यहाँ से लाइव व्यू फाइंडर दिखाई देगा। तो सीधा आते हैं अपने मेनू की सेटिंग अंदर से पहले करके लेते हैं, और मेनू के अंदर इमेज क्वालिटी वीडियो पे कोई असर नहीं करती है तो इस सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सपोजर है, आईएसओ स्पीड सेटिंग है, ऑटो लाइट ऑप्टिमाइज़र ये हमेशा ऑफ होना चाहिए, इसकी भी आगे कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट बैलेंस लाइट पर डिपेंड करता है, ऑटो वाइट बैलेंस एक तरह रखो। दूसरा बेटर ऑप्शन है कि किल इन वाइट बैलेंस, इससे भी 100% वाइट बैलेंस चाहिए तो कस्टम वाइट बैलेंस ग्रे कार्ड पे निकाला जाता है, तो एक ग्रे कार्ड पे आपके पास ग्रे कार्ड होना चाहिए और ये बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मेरे पास है किल विंड वाइट बैलेंस, तो किल विंड वाइट बैलेंस कितना रखना है, LED ट्यूबलाइट है तो 5500, अगर येलो लाइट पोर्टल लाइट है तो 3200, तो 5500 सेलेक्ट। कस्टम वाइट बैलेंस नहीं करना है, मेरे पास ग्रे कार्ड नहीं है तो वाइट शिफ्टिंग, अगर येलो टोन ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर ब्लू की तरफ शिफ्ट करना है। और नेक्स्ट आते हैं पिक्चर स्टाइल, हमारे पिक्चर स्टाइल एटोपे होती है, एटोपे वीडियो नहीं आता है तो स्टैंडर्ड पे रखना है, तो स्टैंडर्ड पे भी एडिट करना है, शार्पनेस एकदम जीरो, कॉन्ट्रास्ट भी एकदम जीरो और सेचुरेशन -3। और दूसरा कोई ऑप्शन है वीडियो के लिए बेटर पिक्चर प्रोफाइल के लिए तो वो है न्यूट्रल, न्यूट्रल पे भी एडिटिंग करना है, न्यूट्रल पे इंफॉर्मेशन, शार्पनेस जीरो, कॉन्ट्रास्ट -4 और सैचुरेशन भी -3। तो ये दो बेस्ट पिक्चर प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड या न्यूट्रल। तो इसमें से मैं हमेशा स्टैंडर्ड पे ही शूट करता हूँ, स्टैंडर्ड ही बेटर प्रोफाइल होती है, तो स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं मूवी सर्वो, ऑटो फोकस ये अनेबल रखना है, ऑटो फोकस मेथड ये फेस ट्रैकिंग सबसे पहले, दूसरा है फ्लेक्स फैक्सी जोन, इसे बड़ा फोकस मिल जाता है, और फैक्सी जोन ऑटो फोकस सिंगल। तो आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, लाइव मोड पे आ गए हैं, और ये रहा फेस ट्रैकिंग, इसमें से ऐसा फेस ट्रैक हो जाता है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा है ये फैक्सी जोन, इससे बड़ा फोकस मिल जाता है, इसमें से पूरी फ्रेम फोकस में आ जा सकती है। और तीसरा है ये फैक्सी जोन सिंगल, सिंगल पे हम ये ऐसा सिंगल कर सकते हैं, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं मूवी रिकॉर्डिंग क्वालिटी, मूवी रिकॉर्डिंग क्वालिटी में सबसे HD रखना है, 1920x1080 25 फ्रेम रेट स्टैंडर्ड मोड पे, MOV फॉर्मेट और MP4 फॉर्मेट है, तो इसमें से MOV फॉर्मेट उसे कंप्रेस करना पड़ता है, ये बहुत लार्ज फाइल हो जाती है, तो हमें सेलेक्ट करनी है MP4 फॉर्मेट। MP4 फॉर्मेट हर एक डिवाइस को सपोर्ट कर लेता है और तुरंत प्ले हो जाता है। मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ ये 25 फ्रेम रेट, और
अगर आपको 50 फ्रेम रेट पे शूट करना है तो उसे डबल शटर स्पीड रखना पड़ेगा, वो हाई क्वालिटी पे शूट हो सकता है। स्लो मोशन के लिए जितना ज़्यादा फ्रेम रेट पे आप शूट करोगे उतना स्लो मोशन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें HD करना है तो 25 फ्रेम रेट पे करना है, 1920x1080 25 फ्रेम रेट और स्टैंडर्ड IPB इस पर शूट करना है। फिर से बैक नीचे आते हैं, डिजिटल जूम। डिजिटल जूम की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो देखें इसमें क्या हो जाता है, इसमें वीडियो एकदम जूम होके मिलता है लेकिन इसके पिक्सल भी कम हो जाते हैं और क्वालिटी भी लूज़ हो जाती है, एकदम फट जाती है, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हमेशा ऑफ होना चाहिए। साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी, ये ऐटो होती है तो हमेशा हमें मैनुअल करना है। मैनुअल इसलिए करना है कि हमारा वॉइस एकदम बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो सके, हमें जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। तो इसमें भी नीचे हमें दिखाई रहा है कि वाइट, येलो और रेड, ये ऐसे तीन कलर दिखाई रहा है। यहाँ पर -40 dB, -12 dB और यहाँ पर -0 dB, ये होती है वेव फॉर्म अपने ऑडियो की। तो इसमें से सबसे बेटर जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगा वो होगा -12 dB के अंदर, जो फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ होता है वो -12 dB से -6 dB के अंदर। तो यहाँ पर अभी वो वॉइस एकदम ओवर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेवल कम करनी पड़ेगी। कम कितनी करनी पड़ेगी, जहाँ पर जितना 12 dB का वॉइस आएगा उतना ही। अभी यहाँ पर 50% पे ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी नॉर्मली वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है वो है 12 dB के अंदर, और जो ओवर वॉइस रिकॉर्डिंग होगा वो जाएगा 12 dB के ऊपर, तो येलो लाइन क्रॉस किया जाता है। इससे भी और ज़्यादा आपने वॉइस दिया तो वो वॉइस एकदम बेकार रिकॉर्डिंग हो सकता है, तो ये 12 dB के अंदर करना है। और यहाँ पे है विन फिल्टर नेक्स्ट, तो ये ऐटो नहीं रखना है, इसको पूरा डिसेबल रखना है। और ये नीचे वाला भी ये फिल्टर है विन फिल्टर, तो इसे अनेबल करना है। इसे अनेबल करते समय हमें क्या होगा कि इसे एकदम वॉइस जो है हमारा वो फिल्टर होगे, एकदम बेस्ट क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, और इसे लेकिन वॉइस की लेवल कम हो जाती है तो फिर से हमें वॉइस रिकॉर्डिंग लेवल वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कितना करनी पड़ेगी, वो फिर से यहाँ पे लाना पड़ेगी, तो हमारा वॉइस एकदम क्लीन वॉइस रिकॉर्डिंग होगा। मैं आपको एक सैम्पल वॉइस रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, कैमरा सेटिंग और लगाने की बाकी है लेकिन मैं आपको नॉर्मली यहाँ से करके दिखाता हूँ एक वॉइस रिकॉर्डिंग। अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है वो है कैनन ATD कैमरे के इनबिल्ट माइक्रोफोन का वॉइस। ये कितना भी अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो जाता है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाते हैं तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा लीजिए। अभी मैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा लेता हूँ। अभी ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है वो है मेरे रोड लिंक के फिल्म मेकिंग के वायरलेस माइक्रोफोन का वॉइस। ये कितना अच्छा क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाता है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड, अगर मैं पूरा चुप बैठता हूँ तो वॉइस एकदम 0 dB में कुछ भी नॉइज नहीं आ जाता है, तो एकदम बेस्ट वॉइस एक्सटर्नल माइक्रोफोन से या वायरलेस माइक्रोफोन से या कैमरा का इनबिल्ट माइक्रोफोन का वॉइस ठीक से नहीं आता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन से यूज करो। ये मेनू की सेटिंग हमारी सब कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे व्यू फाइंडर की तरफ, और यहाँ पर मैंने क्यू बटन प्रेस किया तो सबसे पहले है फोकस, फोकस ट्रैकिंग फोकस, और यहाँ पे फुल HD 1920x1080 पिक्सल, डिजिटल जूम ऑफ, माइक्रोफोन की सेटिंग राइट है, हेडफोन की सेटिंग अगर चाहते हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ये हमें सब वेब फॉर्म से ही पता चल जाती है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं वाइड बैलेंस 5500 सिलेक्ट हो गया, पिक्चर स्टाइल भी हमारी स्टैंडर्ड सिलेक्ट हो गई। मेनू पे एक बार फिर से चेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन शार्पनेस 0 है, कॉन्ट्रास्ट भी एकदम
-4 पे है, सेचुरेशन भी -3 है, और फिर से एक बार मेनू और डी लाइट ऑप्टिमाइजर ऑफ है और बाकी कुछ सेटिंग करनी बाकी है, तो शटर स्पीड, एपर्चर, आईएसओ, ये सेटिंग। तो शटर स्पीड कितना रखना चाहिए, 25 फ्रेम पे मैं शूट कर रहा हूँ तो शटर स्पीड उससे डबल होना चाहिए, तो 50 शटर स्पीड। हमेशा ये याद रखना है कि जितना फ्रेम रेट आप रखोगे वीडियो शूट करने के लिए, जितना भी HD फ्रेम रेट साइज सिलेक्ट किया है, 25 फ्रेम पे हमने सिलेक्ट किया है तो 50 का शटर स्पीड, अगर 25 फ्रेम रेट हमने सिलेक्ट किया है तो 50 का शटर स्पीड, और शटर स्पीड हो गया। और एपर्चर जितना खुल सकता है उतना खुल लो, क्योंकि इससे हमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलती है। अगर पीछे वाला जो बैकग्राउंड चाहिए ज़्यादा ब्लर, तो वो मिलेगा हमें 1.8 एपर्चर से। 50mm की लेंस मैंने अभी लगाई है तो 1.8 जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2.8 रखना है। और ISO रेंज जो है, ISO रेंज हमेशा 100 या 200 पे होनी चाहिए। अगर 100 पे है तो एकदम स्मूथ और बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉप एक्सपोजर अंडर है, 50 शटर स्पीड, 2.8 एपर्चर और ISO 100, इससे एक्सपोजर एक स्टॉप अंडर है तो हमें ISO रेंज बढ़ानी पड़ेगी, एक स्टॉप 1, 2, 3, एक स्टॉप एपर्चर, एक स्टॉप ISO रेंज बढ़ा दी और यहाँ पर एक्सपोजर सब राइट हो गया। तो ये सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से चेक करता हूँ, ये कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, यहाँ पर भी ओके, सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई और यहाँ से नॉर्मली स्टार्ट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, 50 शटर स्पीड, 2.8 का एपर्चर और 200 का ISO, और यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड वाइज भी रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे रोड लिंक के वायरलेस माइक्रोफोन से। एक बार फिर से मैं आपको इंफॉर्मेशन का बटन, जब जितना दबाओगे उतनी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले पे आ जाती है, तो ये इंस्टाग्राम भी आ गया और यहाँ पर पूरा डिस्प्ले खाली, फिर से इंफॉर्मेशन, फिर से इंफॉर्मेशन, तो ये सारी सेटिंग आ गई। हमारी सारी सेटिंग अभी कंप्लीट हो गई, फोकस मोड और HD साइज 1920x1080 पिक्सल, डिजिटल जूम ऑफ, माइक्रोफोन की भी सेटिंग हो गई और हेडफोन की सेटिंग कुछ ज़रूरत नहीं, किलोनो एड बैलेंस हमारा हो गया 5500, पिक्चर स्टाइल हमारी हो गई स्टैंडर्ड, ओ बी एडिटिंग, शार्पनेस 0, कॉन्ट्रास्ट भी -4, सेचुरेशन भी -3। नेक्स्ट आते हैं ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर, ये ऑफ, और बाकी सब सेटिंग कंप्लीट हो गई, 50 शटर स्पीड, 2.8 का एपर्चर और 200 का ISO, और यहाँ पर एक्सपोजर भी एकदम 0 है, और यहाँ से नॉर्मली रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अभी हम देख रहे हैं कि एकदम वीडियो जो शूट हो रहा है एकदम फ्लैट पिक्चर स्टाइल से हो रहा है, और इससे भी हमें एडिटिंग करने के बाद में हम इसको एक लुट्स अप्लाई करते हैं तो इसे एकदम बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम बेस्ट क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और आगे यहाँ पर ऊपर सेकंड, आगे है बैटरी, और यहाँ पर नीचे है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों भी साइड का वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी 12 dB के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है। और येलो लाइन थोड़ी सी क्रॉस होती है जब हमारा लाउड जो वॉइस है वो सिर्फ येलो लाइन से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने माइक्रोफोन लगाया है रोड लिंक का फिल्म मेकिंग वायरलेस माइक्रोफोन, अभी जो वायरलेस माइक्रोफोन का भी वॉइस देख सकते हैं कि कितना बेटर क्वालिटी का आ रहा है, और वीडियो भी एकदम फ्लैट एकदम बेस्ट क्वालिटी में आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो अभी इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपके मन में कुछ सवाल छूट जाते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर आगे आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाऊँगा। अगर हमें एज इट इज़ वीडियो आपको एकदम ज़्यादा कलरफुल में चाहिए तो पोर्ट्रेट में रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हमें आप करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट में ज़्यादा कलर आएंगे, लेकिन जब कलर करेक्शन करोगे तब ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए पोर्ट्रेट भी अगर करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट का भी शार्पनेस आप 0 रखो। शार्पनेस 0 रखने से क्या हो जाता है कि एकदम स्मूथ वीडियो मिल जाता है। पोर्ट्रेट का भी शार्पनेस एकदम 0, कॉन्ट्रास्ट भी एकदम 0,
और सेचुरेशन भी एकदम जीरो। तो सेम पिक्चर स्टाइल हमें भी इसमें भी मिल जाती है, पोर्ट्रेट में भी अगर इससे एक स्टॉप ज़्यादा रखो सिर्फ तो ये बेटर आ जाती है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको पोर्ट्रेट, और मैं भी कभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो सबसे बेटर जो पिक्चर प्रोफाइल है वो है स्टैंडर्ड या न्यूट्रल। और सारी सेटिंग कंप्लीट 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 5500 और बाकी सेटिंग, और यहाँ से स्टार्ट। देखा यहाँ पर फोकस, यहाँ पर भी फोकस, फिर से इधर फोकस, इधर फोकस, और यहाँ पर लॉक कहाँ पर रखना है वहाँ पर, इसका लॉक निकल के इस पर फोकस, और यहाँ पर फोकस लॉक।